हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज का वीडियो है अनबॉक्सिंग के लिए। अनबॉक्सिंग के ऊपर मैंने एक ट्राईपॉड का अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ट्राईपॉड मैंने अमेजन से लिया था। इससे पहले जो भी मैंने 4-5 वीडियो शूट किए हैं वो मैंने टाइगर 13-inch गोरिल्ला पॉड पर शूट किए हैं। तो मेरा ये ट्राईपॉड लेने का ये भी एक वो था कि मेरा टाइगर जो गोरिल्ला पॉड है वो ख़राब नहीं है, वो भी बेटर है, लेकिन जो ट्राईपॉड मैंने अभी लिया है मैनफ्रोटो की पिक्सी मिनी, उसके काफ़ी चर्चे हो रहे थे अमेजन या यूट्यूब पे। तो मैं सोचा एक बार उससे भी वीडियो शूट करके ट्राई किया लिया जाए और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि ये मैनफ्रोटो पिक्सी मिनी ट्राईपॉड कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैनफ्रोटो की पिक्सी मिनी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और उस पर हम लोग क्या क्या चीज़ और क्या क्या डिवाइसेस उस पर माउंट करके हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं। आइए। तो ये कुछ पैकेट आया था मेरे पास अमेजन से और मैंने यहाँ पे दो चीज़ ऑर्डर की थी। एक तो मैनफ्रोटो की पिक्सी मिनी जो ट्राईपॉड है और दूसरी है एक उसका फ़ोन माउंट। तो फ़ोन माउंट मैंने यहाँ आपको एक और बता सकता हूँ कि फ़ोन माउंट आप लोग जो भी लेंगे तो वो आप नॉर्मल सी फ़ोन माउंट ले लीजिए, क्योंकि ये पिक्सी मिनी के साथ जो फ़ोन माउंट आ रहा था उसका टोटल प्राइस आ रहा था अराउंड 2800। तो और ये जो पिक्सी मिनी मैंने यहाँ से अमेजन से ली है वो है 1400 की, और तो आप समझ ही सकते हो कि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जा रहा था मेरे लिए। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसी का फ़ोन माउंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हो तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 149 का एक मुझे पड़ा फ़ोन माउंट, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके साथ ऑर्डर कर लिया था। तो शायद आई होप कि इसके अंदर ही होगा क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा पैकेट तो मिला नहीं है उस फ़ोन माउंट के लिए। तो लेट्स ओपन एंड सी व्हाट इट्स इनसाइड। तो ये है दोस्तों ट्राईपॉड जो मैंने ऑर्डर की थी मैनफ्रोटो की पिक्सी मिनी। आई होप कि आप देख सकते हो, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। और ये है वो फ़ोन माउंट जो मैंने ये इसके साथ ऑर्डर किया था। सो फर्स्ट लेट मी शो द फ़ोन माउंट जो मैंने ऑर्डर किया था। ये मुझे पड़ा था अमेजन में जस्ट फॉर 149। और आइए इसको खोल के देखते हैं। तो इस फ़ोन माउंट से आप लैंडस्केप मोड एज वेल एज़ जो पोर्ट्रेट मोड है वो दोनों मोड में आप शूट कर सकते हो। और ये जो स्क्रू है ये एज़ पर रिव्यू ये तो कह रहा था कि ये अच्छे से फिट हो जाता है टाइटली, और जो ग्रिप है इस फ़ोन का ये भी मुझे काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। और जो रबर पैडिंग है इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का जो फ़ोन है उस फ़ोन का कोई डैमेज भी नहीं होगा इसमें। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में और पहले ट्राईपॉड को ओपन करके उसके बाद ये फिट करते हैं। तो ये है मैनफ्रोटो की जो ट्राईपॉड जो मैं आप लोगों को बताया था। तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल जो गोरिल्ला पॉड ट्राईपॉड होता है उस तरीके का नहीं है, इसका जो लेग्स है वो थोड़ा सॉलिड है। और अगर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो इसका जो बंद करने पे जो क्लिक साउंड है इससे लगता है कि जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक बिल्ड होता है ये पूरा फिल्ड प्लास्टिक है, कोई गैप नहीं है। और इसको हाथ में पकड़ने पर भी एक अच्छा सा फीलिंग आ रहा है। और ये बेसिकली बहुत ही छोटा है, और अगर आप लोग फ़ोन पे शूट कर रहे होंगे या रस्ते पे रोड पे व्लॉग कर रहे होंगे तो इसको आप इजीली हाथ में ऐसे ग्रिप में पकड़ के भी इजीली हो सकता है। और गोरिल्ला पॉड में क्या होता है, जो प्रॉब्लम एक चीज़ मैंने फेस की है, उसको अगर हम हाथ में ऐसे पकड़ेंगे तो इसका जो नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा ग्रिप में लाने का मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो ग्रिप है ये ग्रिप बहुत ही परफेक्ट होता है। साइज़ भी इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, आप अगर चाहो तो इसको आपके बैग के साइड पॉकेट में या तो फिर अपने पॉकेट में डाल के इसको ले जा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एक
बटन यहाँ पे दी हुई है, और इसका जो माउंट है, अगर हम लोग इस बटन को प्रेस करके इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका जो पोजीशन है वो हम लोग ऐसे टिल्ट और चेंज कर सकते हैं। इसको प्रेस करके ये चीज़ करना होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है मुझे लगा। तो इसके ऊपर मैं एक बार ये फ़ोन माउंट फिक्स करके देखता हूँ ये कैसा है। ये को तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो फ़ोन माउंट ली थी वो मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया, और ये जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, इस ट्राइपॉड के ऊपर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटली एक DSLR कैमरा भी अच्छे से आ जाता है। ये मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं इसको ट्राई करके आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर और भी रिव्यूज़ पढ़े हैं और यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ था जो जहाँ पे ये दिखा रहा था कि ये जो पिक्सी मिनी है इस पर भी हम लोग DSLR को रख के वीडियो शूट कर सकते हैं, और फ़ोन वगैरह तो हम लोग इसमें अटैच कर ही सकते हैं। तो इसका और एक जो साइज़ का जो बड़ा वर्शन आता है वो है पिक्सी मिनी EVO 2, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन आई थिंक ये जो साइज़ है ये पकड़ने में, इसका ग्रिप करने में बहुत ही परफेक्ट है, और हाँ छोटा सा भी है तो ये आपका पॉकेट में भी चल जाएगा, बैक के साइड पॉकेट में भी चल जाएगा। तो बहुत ही इजी टू कैरी चीज़ है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही स्टेबल लग रहा है मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई होप दैट आई विल बी शूटिंग द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन दिस ट्राइपॉड, और आगे आपको बताएंगे, आप लोग भी खरीदिए देखिए। हाँ एक चीज़ और, ये जो अमेज़न पर मैंने ली थी तो इसमें मैंने रिव्यूज़ भी देखा, तो ये कभी अच्छे रिव्यूज़ आए थे और लोग भी इससे खुश थे। आप लोग चाहो तो इसको YouTube में और वीडियोस भी और रिव्यूज़ भी आया हुआ है इससे, तो आप उसको चेक करके इसको ले सकते हो। मैं तो इसको लेके बहुत ही खुश हूँ, और आगे से जो भी वीडियो मैं शूट करूँगा मैं इस पर ही शूट करने वाला हूँ। तो आई होप आई विल फाइंड इट गुड एंड आई विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एज वेल, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। सो आज का वीडियो इतना ही तक ही था, आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियोज़ अगेन सूनर। Till then, bye, take care, be safe.